हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। तो भाई अभी बजे हैं 8 और आज मैं स्कूल अभी नहीं गई हूँ, अभी जाऊँगी तो आज मैं लेट जाऊँगी क्योंकि आज जाने वाली है कनिका, तो थोड़ी सी तैयारी करनी है कनिका के जाने की। तो बस हर 15वें दिन आ जाती है और पूरा भर के ले जाती है, मतलब वहाँ भी ऐसी फीलिंग ले रही जैसे गर्मी रह रही हो, पूरे जूस फ्रूटी भाई फ्रूट्स क्या बताऊँ, पूरा भर के ले जाती है, 15 दिन का पूरा कोटा फुल करके ले जाती है और ख़त्म हो जाए तो हमें बुला लेती है, दे के जाओ फ्रूट दे के जाओ। और स्पेशली मैंगो खाने के लिए कनिका आई थी, बट कनिका ने मैंगो नहीं खाए हैं, ना बेचारी ने तरबूज खाया क्योंकि अच्छा मिला ही नहीं यहाँ पे, जो भी लाई वही बेकार निकला, जो भी लाई वो भी बेकार निकला। तो भाई अभी हम करेंगे इसकी प्रिपरेशन, पूछते हैं खाने में क्या खाएगी। और रात को 12 बजे बनवाए नमकीन चावल दोनों ने और अभी देखते हैं क्या बनाते हैं खाने में। तो और आज सच में सिर में बहुत दर्द हो रहा, सुबह सुबह पता नहीं सुबह उठते उठते सिर में दर्द हुआ है, आज पता नहीं क्या हो गया, करते काम। आज मैंने अपने कान्हा जी के सारे कपड़े वॉश कर दिए हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। ये महरूम ये देखो कान्हा जी के सारे कपड़े वॉश हो गए हैं और ये नीचे बिछाने वाला ये सब वॉश हो गए हैं। और भाई कनिका को मेरे बालों पे बहुत गुस्सा आ रहा, कह रही है बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि मेरे बाल एक्चुअली कर्ली हैं और अब ये आने लगे कर ली। तो मैंने पहले स्ट्रेटनिंग करा ली थी तो कह रही है दोबारा कराओ, बट मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि उससे बाल बहुत ड्राई बहुत ख़राब हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, मैं नहीं कराऊंगी। जैसे कर ली ही आएंगे मेरे हेयर। तो मिलते हैं, देखते हैं क्या बनाते हैं, बताती हूँ आपको कनिका क्या खाने वाली हूँ। ये वो लड़की है ये वो शख्स है जो ये नहीं देखती कि पापा को डायबिटीज है और देखो क्या पिला रही है, आइसक्रीम में देखो आइसक्रीम में कोल्ड कॉफी डाल के, कोल्ड कॉफी में आइसक्रीम नहीं डाली, कोल्ड कॉफी में आइसक्रीम नहीं है, आइसक्रीम में कोल्ड कॉफी। ये है वो शख्स, 2 चम्मच इसको सजा दी जाए आइसक्रीम वाली। सो गाइस पापा बना रहे हैं बेटी के लिए मैंगो शेक, रेडी कर मैंगो शेक रेडी कर दिया, लेकिन ये बहुत गाढ़ा गप बना दिया गप, बट अब फिर भी थोड़ा हो गया ठीक है नॉर्मली, इसके अंदर अगर हम बर्फ डालेंगे तो सही हो जाएगा। वैसे इतना ही गाढ़ा लोग पीते हैं बट मुझे वो जो पतला वाला होता है वो पसंद है, मतलब थोड़ा पतला वाला मैंगो से एक पसंद है मुझे। हाँ और तुझे कौन से वाला मैंगो से एक पसंद है? हैं? अरे मीठा तो फीका नहीं कहा मैंने, मैंने कहा पतला वाला पसंद है, पतले में पानी लगता है। कल पानी वाली लगा, कल रात बनाया जो मैंने कैसा था? कल वो पतला था। हाँ मतलब उतना ही पसंद है जितना कल था, भी चलेगा पर कम नहीं। हाँ कम नहीं, पापा ने ज्यादा ही बनाया। सो गाइस अब इतना गाढ़ा बना, पर कनिका कह रही है उसे गाढ़ा ही पसंद है, इसको कौन पिएगा, तो दूध को रख देते फ्रिज में। सो गाइस आप देख सकते हैं शेक इज रेडी, कनिका के लिए शेक रेडी है, सो यम्मी। टन टडा कनी वेयर आर यू, टन टडा योर शेक इज रेडी, सो प्लीज टेस्ट करके बताएं मैडम जी कैसा बना है आपका शेक। पतला है ये, यहाँ से चाट ले पहले, मेरा मतलब तुमने पानी डाला ना? नहीं हमने दूध डाला है। अच्छा है। अभी ड्रेस के ऊपर हो रहा है इधर ना ड्रामा की फटी जेंस फटी हुई जीन्स कनी रुचि कोई भी नहीं पहने। मेरे बेटा आजकल का फैशन तुम ही बिगाड़ रहे हो या आजकल के फैशन को? मम्मी पहनने नहीं देती मुझे, मैंने कुर्ता कुर्ता रखूंगी।
देखियो मेरे कुर्ते ने, पता नहीं कौन से का कांड करेगी। देखियो कितनी पाई, प्लीज कहानी मेरे कपड़े मत फैला। और कुछ कहानी, आर यू रेडी? सामान दिला देना इसे बालाजी, बालाजी से थोड़ा बोल। खाने का, खाने का फ्रूट्स दिला देना। फ्रूट्स तो वहां से लेंगे ना, पुल के नीचे से। नहीं थोड़े चिप्स वगैरह जो बिस्किट हो गया, वो बिस्किट पतंजलि वाले रख लीजिए। पापा हम लेट हो रहे हैं। चल नो, देखो मैं फिर पानी की बोतल भूल गई। और अपने कान्हा जी को नहाने से पहले, कान्हा जी को तो इसने नहाने से पहले ही कर दिया था। अरे मैं कपड़े ढूंढने आई थी ना, तो दिक्कत कर दी। मैं अपने पानी की बोतल भूल जाती हूँ, तो लेट्स गो। कोई बात नहीं, अभी आप उसके पास फोन मत करो, वो स्कूटी चलाते वक्त तो डिस्टर्ब होएगी। गर्मी इतनी है भाई, एसी चला रहे थे, छाया में खड़ी है गाड़ी। हे भगवान, नीचे खड़ी कर दे करो, धूप में मत करे करो। ये छोरी जा रही है, छोरी गई चाबी करने का। एकानी करी, नो 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 सब्जी वाले के यहाँ तक चलूंगी मैं। ऐसे सब्जी वाले की दुकान पे क्या करना है मुझे, पर फिर भी ऐसे बाहर जाऊंगी। अरे ठीक है, सस्ती दे देंगे कोई। मतलब मैं लोअर टी शर्ट पहन के बाहर नहीं जा सकती? ये लोअर नहीं है, ये टी शर्ट भी नहीं है, ये टो शर्ट है और वो प्लाजो है। कोई बात नहीं, ऐसे ही चलेंगे आज हम।